दुबई से ओमान जाने में तकरीबन 1 से 2 घंटे लगते हैं ड्राइव करते हुए। वीजा, आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है अगर आपके पास दुबई का वीजा होता है। तो मेरे पास दुबई का गोल्डन वीजा है, जाते ही वीजा मिल जाएगा। ड्राइव करते हुए 2 घंटे में हम ओमान बॉर्डर पहुंच जाएंगे दुबई से। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं बॉर्डर पे ओमान के, यहाँ से 30 मिनट की डिस्टेंस पे है। और हम थोड़ा खाने के लिए रुके हैं बीच में, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं ओमान और दुबई का जो बॉर्डर है, दुबई नहीं सॉरी यूएई का जो बॉर्डर है, रेस्टोरेंट है। यहाँ से तकरीबन आगे 30 मिनट की ड्राइव के बाद ओमान स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हम कुछ खाएंगे पियेंगे, इसलिए यहाँ पर रुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सारे ओमान ही जा रहे हैं प्रोबेबली वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए या घूमने के लिए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ। अभी हम इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, देखेंगे क्या। दो दिन बाद बोला बेटा एक काम कर, जल्दी घर जा, 2 घंटे में दोबारा जा। और हैरेसमेंट अलग से, वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता ये। ये मेरे दोस्त हैं, सारे अपने फ़ोटो वगैरह कर रहे हैं। ये सच में बहुत ही अच्छा वेदर है फ़िलहाल, और ऐसा लगता है कि आप स्विट्ज़रलैंड या साउथ अफ्रीका आए हुए हो यहाँ के पहाड़ वगैरह को देख के। हम अभी थोड़ी देर में अपनी जर्नी कंटिन्यू।
पूरा डिसाइड कर रहा हूं क्या वो है ना बीच का सेट में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वैसा वाला एक सामान सीधा ट्रक ब्रेक नहीं है तो अगर ब्रेक फेल हो जाते तो उस पे अच्छा इनके ब्रेक फेल हो जाते हां सनसेट का टाइम हो गया ऑलमोस्ट अभी पूछे नहीं है फरवरी मार्च यहाँ पे घूमने के लिए बेस्ट मंथ होता होगा या जनवरी दिसंबर, उसके बाद तो बहुत गर्मी हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर लेकिन ना ये बॉर्डर एरिया स्टार्ट हो गया है एक्चुअली, यहाँ पे कैमरा यूज़ करना अलाउड नहीं है ऐसे तो, बट हम कर रहे हैं, जब पुलिस चेक पोस्ट आ जाएगा फिर नहीं करेंगे। ये ओमान बॉर्डर है और यहाँ पे पासपोर्ट अराइवल इमिग्रेशन जो होता है बहुत सिंपल है, आप बस अंदर जाओ अपना पासपोर्ट दो उन लोगों को, स्टंप लगा देंगे और आप ओमान में आ जाओगे। सल्तनत ऑफ ओमान में दिखाऊँगा आपको मेरे जो पासपोर्ट पर उन्होंने स्टंप लगाया है। काफ़ी स्पेशियस जगह है यहाँ पे कि क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं पूरे दिन में दुबई से आते हैं, वो जिनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है वो ओमान आते हैं, एग्ज़िट लेते हैं दुबई से और यहाँ पे आके अपना ओमान का वीज़ा ले लेते हैं वीज़ा ऑन अराइवल, उसके बाद फिर से वो दुबई चले जाते हैं वीज़ा लेके। ये हत्ता में कोई जगह है इंडिया गेट जैसा इसका लुक है, तो यहाँ पर हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए। 10 बज गए हैं रात के, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ओमान में क्या है देखने लायक, क्यों लोग यहाँ पे आते हैं और मतलब आई डोंट नो जो भी है, लेकिन ओमान नहीं आना यार, ओमान नहीं आना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे लिटरली।